ये एग्जांपल गेट 2010 में पूछा गया था और यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड फॉर द रिलेशंस आर ए बी सी एंड एस बी डी, और यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज दी गई है बी डिटरमाइंस ए एंड ए डिटरमाइंस सी. द रिलेशन आर कंटेन्स 200 टपल्स एंड रिलेशन एस कंटेन्स 100 टपल्स. What is the maximum number of tuples possible in the natural join RS? Now, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हमारे पास R और S relation है, R के अंदर 200 tuple है, S के अंदर 100 tuple है. अब ये दोनों का natural join करते हैं तो हमें कितने tuples मिलते हैं maximum possible. Now, यहाँ पे natural join specify कर दिया है, symbol natural join का नहीं है लेकिन यहाँ पे natural join specify कर दिया है तो हमें natural join का case ही देखना है. अब यहां पे हम देखते हैं तो रिलेशन आर जो है उसमें हमारे पास है ए बी एंड सी, और रिलेशन एस है उसमें हमारे पास है बी डी एंड ई. तो यहां पे हमारे पास टेबल होगा और ये टेबल यहां पे 200 टपल्स और यहां पे 100 टपल्स. ओके राइट. नाउ यहां पे नेचुरल जॉइन कैसे होगा, पहले तो नेचुरल जॉइन दोनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उससे होता है. नाउ हमें फाइंड करना है कि इसमें 200 टपल्स कैसे दिए हुए, तो 200 टपल्स कैसे दिए होंगे तो इसमें की एट्रीब्यूट है या नहीं. तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज दी गई है, तो डिपेंडेंसीज में है बी ए एंड सी, दैट मीन्स डी और ई नहीं दिया हुआ है तो इस टेबल के लिए हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कैंडिडेट की फाइंड करेंगे. तो मैं बी का क्लोजर फाइंड करूंगा तो मुझे मिलेगा बी ए एंड सी, दैट मीन्स इस टेबल में कैंडिडेट की हमारा क्या है, की एट्रीब्यूट बी है, यानी कि 200 टपल्स में बी की वैल्यू यूनिक होगी सबके लिए. यहाँ पे बी की एट्रीब्यूट है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन सपोज यहाँ पे हम 1 से शुरू करते हैं 1, 2, 3 अप टू 200, यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि ये की एट्रीब्यूट है, तो 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 100. नाउ नेचुरल जॉइन कब होगा, जब ये और ये वैल्यू सेम होगी, तो 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम, 3 और 3 सेम, इस तरह से सारी वैल्यू सेम आती है. लेकिन यहाँ पे लिमिट कहाँ आएगी, 100 वैल्यू के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है, दैट मीन्स मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे 100 वैल्यूज सेम मिलेगी. तो 100 वैल्यूज यहाँ पे सेम मिलेगी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी इस केस में, यानी कि बी यहाँ पे की एट्रीब्यूट हो तो हमें 100 दिख रही है. नाउ बी की एट्रीब्यूट नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है वैल्यूज रिपीट होगी, 1, 1, 2, 2, तो यहाँ पे ये 1 इसको लगेगा, 2 इसको लगेगा एंड इसको. तो यहाँ पे भी अगर वैल्यूज रिपीट होती है, ये 1 के लिए यहाँ पे अगर 100 वैल्यूज है तो वैल्यू तो सिर्फ 100 ही है. यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स यानी कि ये जो वैल्यूज है वो रिपीट करने से ये टपल्स नहीं बढ़ने वाले, टपल्स हमें 100 ही दिए गए. दैट मीन्स अगर 1 की 100 वैल्यू है तो यहाँ पे 100 टाइम्स होगा बट चेंज नहीं होंगे टपल्स. तो यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम कितने 100 टपल्स ही मिलेंगे. सो इस तरह के एग्जांपल्स में आपको माइंड कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली आप अगर ड्रॉ करके सॉल्व करते हो तो आपके लिए इजी रहेगा इस तरह का सम, और आपका टाइम भी काफी सेव हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए 100. एंड आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल.